खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान खान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे हैं, लेकिन उनके कदम रखते ही इमरान का अमेरिका में जबरदस्त अपमान हो रहा है। इमरान एक देश के शासक हैं, प्रमुख हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर उनका सरकारी स्वागत सत्कार तक नहीं हुआ। मतलब ट्रंप ने इमरान के स्वागत के लिए किसी अधिकारी तक को नहीं भेजा। इमरान को हवाई अड्डे से मेट्रो ट्रेन लेकर होटल तक जाना पड़ा। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं था। बिल्कुल आम यात्रियों की तरह इमरान खान को वहां से मेट्रो लेकर होटल तक जाना पड़ा। भारत के लिए ये एक सुखद खबर है, और जिस तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका बार बार पाकिस्तान बार बार अपने जो काम है उसमें किसी तरह की रोक नहीं लगाता है, आतंकवादियों को रोकता नहीं है, या यूं कहें कि जो बात मांगे भारत की तरफ से उठाई जाती हैं उनको वो साफ तौर पर नकार देता है। उसके बाद भारत ने उसको वैश्विक पटल पर जो अलग थलग करने की कोशिश की उसमें भारत की कामयाबी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इमरान खान पहुंचे हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, लेकिन एक देश के शासक के तौर पर वहां पहुंचे हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर उनका सरकारी स्वागत सत्कार तक नहीं हुआ। मतलब ट्रंप ने इमरान के स्वागत के लिए किसी अधिकारी तक को नहीं भेजा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, इमरान खान के जाने के पहले तो बहुत माहौल बनाया गया पाकिस्तान में, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी को उल्टा कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से इस यात्रा से पहले हाफिज सईद की गिरफ्तारी करके अपने दामन को साफ करने की कोशिश इमरान खान ने की थी, और जिस तरीके से उसका जवाब अमेरिका से आया, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता रहा है, खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर, वो बताता है कि किस तरीके का तनाव दोनों देशों के रिश्तों में है। और आप देखें कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान लगभग एक साल पूरा करने जा रहे हैं, 11 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, और इस दौरान ये पहली मुलाकात है जब वो पहुंचेंगे, अमेरिका पहुंचे हैं, और 22 जुलाई को उनकी मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है वो अपने आप में बताता है कि कोई बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही उनकी इस यात्रा को। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो वहां मौजूद थे, लेकिन निश्चित रूप से ये इतना बड़े स्तर के अधिकारी नहीं थे या इस तरीके के पदाधिकारी नहीं थे कि जिससे ये लगे कि पाकिस्तान का जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है, अमेरिकी विदेश विभाग है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, वो बहुत तवज्जो दे रहा है उनकी इस यात्रा को। और पहले ही कोशिश शायद इमरान ने एक चतुराई से इसकी कोशिश करने की कोशिश प्रयास किया कि वो एक बहुत ऑस्टेयर यानी बहुत किफायती दौरा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो कमर्शियल एयरलाइन से जा रहे हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो PIA है उसने अपनी फ्लाइट अमेरिका की जो एक साल पहले तक चल रही थी वो बंद कर दी, और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल दौर से गुजर रही है। और ऐसे में जब वो अमेरिका पहुंचे हैं तो आदर्श बहुत बड़ा सवाल यही है कि आतंकवाद के मुद्दे पे जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं उस पर क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हें टेबल पर जब दोनों आमने सामने होंगे तब क्या खरी खरी सुनाते हैं, और इसमें FATF से लेके टेरर के मुद्दे पे इन सारी चीजों के ऊपर इमरान एक तरीके से रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। उन्हें इस बात का की जवाबदेही भी दिखानी होगी और साथ में अपनी कैफियत भी देनी होगी उन्हें। प्रणय, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारत के लिए इसके मायने क्या क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, भारत के लिए ये निश्चित रूप से ये बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान जो अमेरिका को एक समय में अपना सबसे बड़ा खैरपा कहता था। प्रणय, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, कमर आगा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर आगा साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान जिस तरह से पहुंचे हैं वहां पर अमेरिका, और उनके स्वागत के लिए जो एक राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है कुछ तो इंतजाम किए जाते हैं, ऐसा कोई इंतजाम देखने को नहीं मिला है, आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या है कमर आगा साहब? देखिए, बहुत कोल्ड रिसेप्शन है उनका, उनको साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आप सुधर जाइए, और आपको अमेरिका ने आपको बहुत बर्दाश्त किया, आपको $30 बिलियन से भी ज़्यादा की रकम दी, आपने अमेरिका के साथ झूठ बोला, धोखा दिया अमेरिका को। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमको धोखा दिया और झूठ बोला, हमारे साथ बोलते रहे, आतंकवाद को इन्हीं ने बढ़ावा दिया,
और ऐसे संगठनों को जैसे कि हक्कानी नेटवर्क और दूसरे अलकायदा और तालिबान, जिनके लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकन्स की हत्याएं की हैं, वहाँ पे लगभग 2500 से ज़्यादा अमेरिकन मरे हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एड पहले ही बंद कर दी गई है, जो उनको मिलिट्री एड और सिविल एड सब जो कुछ भी मिलता था, लगभग $3 बिलियन होते थे टोटल साल में, वो बंद कर दी गई है जी। अब ये है कि अब उनको रिसेप्शन इसलिए बहुत लो लेवल का दिया गया है कि ताकि उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि आप बात जी बिल्कुल लो लेवल का रिसेप्शन देकर कम से कम ये कम्युनिकेट हो जाए कि जो हम कह रहे हैं हम उसको लेकर बहुत गंभीर हैं, और आप भी अगर गंभीर हो जाए तो शायद बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब इस तमाम जानकारी के लिए। कमर आगा साहब जुड़े थे हमारे साथ। तो इमरान खान पहुंचे हैं अमेरिका और बहुत ठंडा उनका स्वागत वहां पर किया गया है। दावे वादे बहुत सारे करके पाकिस्तान से निकले थे, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगाता है तो भारत की ओर से जो कूटनीतिक कोशिशें हुई हैं दुनिया भर में उसकी वानगी तो अभी एक तस्वीर देखने को मिल रही है, ऐसा और भी बहुत कुछ उनको देखने को मिलेगा।